हेलो फ्रेंड्स, अब बज रहे रात के 8 और मैं रात के 8 बजे आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ टमाटर और प्याज की चटनी। टमाटर और प्याज मैंने काट लिए हैं और यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। दिन भर कोई वीडियो नहीं बनाया है तो रात का टाइम है तो सोचा हमसे ही वीडियो स्टार्ट कर दूँ। 4-5 कलियाँ लहसुन भी मैंने छील लिया है, उसे भी एकदम टुकड़ों में काट लिया है, छोटे छोटे से टुकड़े बना लिए। आप चाहो तो दरदरा सा उसे कूट भी सकते हो। और ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। सिंपल है, बनाने में आसान है, मगर टेस्टी बहुत लगती है। तो ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने राई डाल दी। राई को चटकने के बाद इसके अंदर डालेंगे प्याज। आप चाहो तो टमाटर प्याज एक साथ भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा प्याज पहले डाल दिया है और इसे बस थोड़ा सा भून लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैंने काटा हुआ लहसुन भी डाल दिया है। इसे थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। तो प्याज अच्छे से नरम हो चुकी है। इसमें अब हम मसाला डालेंगे। तो मसालों में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है। फिर बाद में थोड़ा सा भुनने के बाद टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और सुबह की सब्जी बची हुई है और सुबह की रोटियां भी है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चटनी बना लूँ और थोड़ी सी पापा जी के लिए रोटियां, क्योंकि सुबह की रोटी वो नहीं खाते हैं, उनके लिए गर्मा गर्म रोटी और ये चटनी बना दे रही हूँ। और सुबह का है वो तो क्या कर सकते हैं, वो हम खा लेंगे। तो अब धीमी गैस पर इसे हमें अच्छे से मिक्स करके ढककर रख देंगे। 5 से 6 मिनट तक अच्छे से चटनी बन जाएगी। अब डालिए थोड़ी सी, बिल्कुल आधी चम्मच चीनी। चीनी डालने से इसमें जो टमाटर का खट्टापन है, तीखापन है, सारा बैलेंस हो जाएगा। बहुत टेस्टी चटनी लगेगी। अब फटाफट से रोटियां भी बना लेती हूँ और सबके लिए खाना लगा देती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। अब है सुबह का टाइम, सुबह के 7 बज रहे और दीपक ना जाता है जॉगिंग पे, फिर अभी भी आया है। आने के बाद तुरंत यहाँ पर पानी दे रहा है, सारे प्लांट में पानी दे रहा है। यहाँ पर पुदीना लगाया हुआ है तो पुदीने को भी रोज़ ही देखता रहता है, पानी देता रहे। और धीमी धीमी सी धूप भी आ रही है, 7 बज रहे सुबह के। और दिनेश अभी नहाया नहीं इसने, तो ऐसे ही घूम रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारा पानी फैल गया था, मैंने सुबह पोछ भी लिया था, सारे पूरे घर में पोछा लगाया था, फिर भी यहाँ पर पानी फैल गया है। थोड़ा सा दीपक पानी दे रहा था पौधों में, तो सारा पानी यहाँ पर फैल गया है। तो जो भी हम भागते भागते आएंगे तो सीधे डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे। तो दिनेश क्या कर रहा है, पूरा अच्छे से उसे साफ कर दे रहा है, सारा पानी क्लीन कर दे रहा है। और ये देखिए पौधे अच्छे से, उसमें एक दो पत्ते आ रहे हैं नीचे की तरफ से। और ये देखिए फूल पूरे व्हाइट एंड व्हाइट हो चुके हैं यहाँ पर सेवंथ के। तो ये सारी दीपक की मेहनत है, वो बहुत अच्छे से पौधों को पानी देता है, तब जाके अच्छे से खिलखिला रहे हैं पौधे। मुझे तो नहीं होता है क्योंकि मुझे ये काम ही नहीं थे। तो मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर मैंने बना दी है दाल, दिनेश के लिए अरहर की दाल चावल बना दिए हैं। वो भी खा लेता है, हम भी खा लेते हैं, बस उसे बिना दाल चावल के नहीं जमता, उसे बस चाहिए चाहिए। और यहाँ पर भिंडी की सब्जी भी बना दूँगी। तो भिंडी मैंने अच्छे से धुल लिए हैं, अब इसे मैं काट लेती हूँ। और साथ ही साथ में प्याज भी। सुबह सुबह हड़बड़ी हो जाती है तो सुबह मैं पौधों में पानी दे नहीं पाती हूँ, फिर दीपक ही दे रहा है। और अब ना काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही ना, बिल्कुल बारिश नहीं है। तो सारे पौधे जो वहीं पर सूख रहे। दाल तो बन चुकी है अरहर की, इधर चावल भी बन चुके हैं। अब फटाफट से भिंडी तो मैंने काट लिए, प्याज भी काट लिए, तो फटाफट से इसे तड़का भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है आज। थोड़े से चावल भी धुलकर डाल देने हैं, मैंने ज्वार में चावल मिक्स करके पीसती हूँ ना, तो थोड़े चावल। अब धूप है तो अभी मैं धुल कर डाल दूँगी, क्योंकि बाद में बारिश हो जाएगी तो सूख नहीं पाएंगे अच्छे से। तो अब अच्छी सी धूप है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो चावल जल्दी से सूख जाएंगे, तो इसलिए चावल भी धुलने हैं। तो फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ जो किचन के है। तो ऑयल में मैंने प्याज डाल दी है, अच्छे से इसे मिला लेंगे। और ज़्यादा इसे भुनना नहीं है, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें हम मिलाएंगे मसाले। तो मसालों में धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, इसे थोड़ी देर मिला लेंगे। अब डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब ये भिंडी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है।
और थोड़ा सा नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारा मसाला एक एक भिंडी को लगना चाहिए, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और खिड़कियों से ना धीमी धीमी सी धूप आ जाती है तो वही चमकने लगती है कैमरे के ऊपर। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। मैं पानी नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल भी, आप चाहो तो बिल्कुल 2 चम्मच पानी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल दे रही हूँ। ऐसे ही ढककर रख दूंगी, ये भाप से ही अच्छे से सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो हम इसे ढककर रख देंगे धीमी गैस पर। और इधर मैं फटाफट से रोटियाँ भी बना लेती हूँ क्योंकि पापा जी भी नहाकर बैठ चुके हैं खाना खाने, सुबह के टाइम ऐसा ही हो जाता है। और दिनेश दीपक भी खाना खा रहे हैं, तो पहले मैं दीपक के लिए यहाँ पर सब्जी और रोटी दे देती हूँ, दिनेश के लिए दाल चावल दे दूँगी। और पापा जी तो सभी खाते हैं वो दाल चावल रोटी सब्जी, उनको सभी दे दूँगी थाली में। तो ये दीपक को चावल बाद में ले लेगा, ये भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी दे दी है। तो इनका खाना चल रहा है और मैं रोटियां बना रही हूँ, मैं रोटियां करते जा रही हूँ, ये गर्मा गर्म खाते जा रहे हैं। और दिनेश रोटी नहीं खा रहा है, उसे बिल्कुल रोटी पसंद नहीं है, वो नहीं खाता है, बस दाल चावल ही लेकर बैठ जाता है। सबका खाना पीना हो चुका है, तो हम आ चुके हैं छत पर। आप देख सकते हो काफ़ी धूप है, तो यहाँ पर ये फलियाँ भी ना मैं थोड़ी सी धूप में डाल दी हूँ। कभी कभी जब अच्छे से धूप आ जाती है ना तो मैं फलियाँ डाल देती हूँ क्योंकि इसमें कीड़े भी हो जाते हैं, तो उसे कभी कभी धूप देते ही रहना चाहिए हमें। और इधर मैं चावल भी धुल कर डाल दूँगी। तो इधर मैंने कपड़ा बिछा दिया है और दीपक ना इस सिंटेक्स, बड़ा वाला सिंटेक्स जो है उसमें का पानी निकाल कर मुझे दे रहा है। और काफ़ी तेज़ हवा भी है, तो इस बकेट में मैंने चावल डाल दिया, इसमें दीपक पानी डाले दे रहा है। अब इसे मैं अच्छे से धो लूँगी। धो के ये जो लकड़ी का टोकरा है इसमें मैं चावल डाल दूँगी ताकि सारा पानी जो है उसका निकल जाए नीचे की तरफ। तो सारे चावल मैंने धो लिए हैं, शायद 4 से 5 किलो चावल मैंने धो लिए हैं। और इस कपड़े के ऊपर पतला सा फैला दूँगी, हवा भी बहुत तेज़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी है, तो ये जल्दी से चावल सूख जाएंगे। पतला सा मैंने फैला दिया है, अब चलते हैं नीचे। हम जा रहे हैं शनिदेव मंदिर और मैं जब पिछली बार शनि मंदिर आई थी तो गायत्री साथ में थी, गायत्री और मैं दिनेश आए थे, मगर अब कितने दिनों से तब से मैं नहीं आई हूँ, तो सोचा आज मैं आऊँगी, तो सारे काम फटाफट से निपटा लिए और दीपक और मैं आ चुके शनि मंदिर। और रास्ते में गैरेज है हमारा, तो ये बोलने लगे कि तुम कार लेके जाओ, दीपक ड्राइविंग क्लासेस भी जा रहा है तो देख लो कार कैसे चला रहा है ये। तो बहुत अच्छे से कार चलाते हुए मुझे मंदिर ले आया है दीपक। और हम मंदिर पहुँच चुके हैं और मैंने अंदर का कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे अंदर, तो इसीलिए नहीं बनाए हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं। तो दीपक यहाँ पर कार घुमा ले रहा है इस साइड, बहुत अच्छे से कार चला रहा है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जाते हुए से, शायद 25 दिन हो चुके हैं। हम अभी अभी मंदिर से आ चुके हैं, 5 बजे निकले थे, फिर दर्शन वर्शन हो गए, फिर बाद में मैं 6:30 बजे घर आते आते, और आते समय मैं बाइक पे आई हूँ, जाते समय कार में गई हूँ। घर से तो मैं पैदल निकली थी, फिर जब गैरेज तो रास्ते में पड़ता है हमारा, तो गैरेज के जैसे पास गए तो ये बोलने लगी कि कार में चले जाओ, दीपक ड्राइविंग क्लास करता है तो देख लो कैसे कार चलाता है। फिर उसको लेकर शनिदेव मंदिर, फिर कार में गए, फिर वहाँ से वापस गैरेज तक आए, फिर वहाँ से बाइक से घर आए हैं। इस तरह से जल्दी से घर आ चुके हैं, तो अब चाय करके पी लें। तो मैं बना ले रही हूँ चाय, और ये वहाँ से लाया हुआ प्रसाद है, नारियल वगैरह जो तोड़ा था मैंने वो सारा निकाल कर खिड़की में रख देती हूँ, कवर में से निकाल कर, खिड़की में अच्छे से हवा भी लग जाती है। और थोड़ा सा अदरक मैं कूट कर डाल देती हूँ चाय में, अदरक वाली चाय पियेंगे तो थोड़ा सा फ्रेश महसूस होगा।
अच्छी तरह से कार चला रहा था, एक महीने से क्लासेस है उसके, अभी भी जाता है, अभी एक महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद 25 दिन हो चुके हैं आज को, वो बहुत अच्छे से कार चलाना सीख चुका है।